बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवरात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि नवरात्रा में किस आयु की कन्या का कब पूजन और किस कामना की पूर्ति के लिए करना चाहिए, ये मेरा आज का विषय है जो आप सबके लिए जानना, समझना और उसे अपनाना जरूरी है अगर आप नवरात्रा में नव दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रा में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। वैसे तो अष्टमी के दिन सभी भक्त, हम सब लोग जो नवरात्रि मनाते हैं, नौ कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनके चरण स्पर्श करके उनको भोजन करवाते हैं, लेकिन कन्या पूजन में कन्या की आयु व किस तिथि को किस आयु वर्ग की कन्या का पूजन करना चाहिए, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि 2 से 9 वर्ष आयु की कन्याओं को बुलाना चाहिए तथा साथ में एक बटुक भी, यानी कि 9 कन्याओं के साथ एक बटुक रूप बालक यानी एक बच्चा यानी पुरुष लड़का अवश्य होना चाहिए और वो भी कोशिश करें जिसका जनेऊ न हुआ हो। मां की पूजा जो है वो भैरव पूजा के बिना अधूरी है। मैं आपको छोटी सी मेरी खुद की कहानी बता दूं। तकरीबन 10 या 12 साल का मैं हुआ करता था कोई जमाने में। उस वक्त माता पिता परिवार सहित कुछ शिष्यों के साथ पिताजी वैष्णो देवी की यात्रा पर गए। पहली बार इतनी चढ़ाई मैंने चढ़ी थी अपनी ज़िंदगी में, तो हाथ पैर सब में जो है वो दर्द शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से दर्शन करके ऐसे फ्री होके बाहर बैठे। फिर पिताजी ने कहा, बैठना नहीं, जब तक भैरव जी के दर्शन नहीं होंगे माता की पूजा अधूरी है, माता के दर्शन अधूरे हैं। वो जो भैरव जी की चढ़ाई थी वो थी तो थोड़ी सी, लेकिन ऐसा लग रहा था मैं कोई एवरेस्ट की चोटी पर जा रहा हूँ। लेकिन तब जाकर समझ में आया कि माँ दुर्गा की, वैष्णो देवी की या कोई भी पूजा अर्चना दुर्गा की हो, भैरव जी की पूजा के बिना अधूरी है। इसी प्रकार कन्या पूजन में एक बटुक लड़के का होना अनिवार्य है। नवरात्रा में प्रत्येक तिथि को एक एक व अष्टमी और नवमी को 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। यदि आप प्रत्येक तिथि को एक एक कन्या की पूजा करते हैं, आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि किस आयु यानी कितने साल की वो बच्ची होनी चाहिए, कन्या की पूजा से किस कामना की पूर्ति होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो जानिए कि 2 वर्ष की आयु वाली कन्या को कुमारी कहा जाता है, वह इसकी पूजा से दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, उनकी पूजा से धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है और उनकी पूजा से परिवार का, हम सब का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है, जिनके पूजन से रोगों का नाश हो जाता है। 6 वर्ष की कालिका कही जाती है, जिनके पूजन से विद्या विजय राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की चंडिका कही जाती है, जिसके पूजन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी, जिसकी पूजा से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा रूप कहलाती है, जिनके पूजन से असाध्य कार्य पूर्ण होकर शत्रुओं का नाश होता है। तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा रूप होती है, जिनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब मैं बताता हूं कि नवरात्रा में कन्याओं को उपहार देने के पीछे क्या महत्व है। नवरात्रि के इन विशेष दिनों में की गई उपासना, आराधना, पूजा, व्रत, जो भी देवी के लिए अनुष्ठान करते हैं, उनसे देवी भक्त पर प्रसन्न होती है। लेकिन हमारे जो पुराण हैं उसमें वर्णन दिया गया है कि मात्र श्लोक, मंत्र या उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। आप भी कुछ विशेष भेंट, उपहार आदि कन्याओं को देकर महाशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। होता यह है कि हम अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित कर उनके चरण को धोकर उन्हें भोजन करवाते हैं, लेकिन प्रतिपदा यानी पहले दिन से नवमी तक सभी दिनों में अलग अलग आयु वर्ग की कन्याओं को उपहार देने का अलग अलग महत्व है। किस दिन क्या उपहार देना चाहिए माता को प्रसन्न करने के लिए, आइए वो जानते हैं। पहले दिन उन्हें पुष्प उपहार देकर, एक बड़ा अच्छा सा गुलदस्ता जिसके बुके भी कहते हैं, वो देना शुभ रहता है। साथ ही यदि आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें, अन्यथा भौतिक कामनाओं हेतु लाल पुष्प देकर आशीर्वाद ले सकते हैं। दूसरे दिन फल फ्रूट्स देकर उन्हें
उनका पूजन करें। याद रखें कि फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन दूध से बनाई हुई कोई मिठाई खिलाकर इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप चाहें तो घर की बनी खीर या हलवा भी खिलाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। चौथे दिन वस्त्र अच्छे कपड़े उन्हें भेंट देकर आशीर्वाद दें। वस्त्र सामर्थ्य अनुसार दें, असमर्थ हैं तो रुमाल भी आप भेंट कर सकते हैं। पांचवें दिन सौभाग्य व संतान वृद्धि हेतु श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत आवश्यक, यानी जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो देने चाहिए। छठे दिन कन्याओं को खेल खिलौने सामग्री उपहार देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सातवें दिन शिक्षा से संबंधित यानी एजुकेशनल मटेरियल, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, बुक, बॉटल, कॉपी, इस प्रकार की चीज़ें देकर उनके प्रसन्न कर सकते हैं। और आठवें दिन आप होमाष्टमी का हवन करके कन्याओं का पूजन करें, फिर उन्हें भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और नवमी को कन्याओं को दुर्गा चालीसा की पुस्तकें, लाल चुनरी, पान व इलायची खिलाएं तथा कन्याओं से घर में गरबा करवाने से भी देवी माँ प्रसन्न होती। बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाइए, खुद भी एंजॉय करिए और हमें वर्ष भर के लिए सुख समृद्धि यश बान कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देकर वो कन्याएं जाती हैं। अब कन्याओं से जुड़ी हुई एक छोटी सी विशेष बात जिससे आपको ध्यान होना जरूरी है। जब बच्चे भोजन करके घर चले जाते हैं उसके बाद आपको घर को साफ नहीं करना, झाड़ू पोछा पानी से किसी प्रकार की सफाई करना, झाड़ फूंक करना, ये सब आपको पहले करना चाहिए। इसके पीछे एक विशेष कारण है कि जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, जब अर्थी लेकर जाते हैं तो उसके बाद घर की साफ सफाई की जाती है। और यह मान्यता है कि जब ऐसे पुण्य काम करके जब कन्याएं घर जाती है तो तुरंत प्रभाव से अगले 4 घंटे तक ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही ये सारे कर्म आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कन्याओं से जुड़ी हुई विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। अगले एपिसोड में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी वाणी को यही विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद। जीवन में हम सबको समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन अगर समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। हम सबको कोई भी तकलीफ जीवन में हो सकती है, ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद ही है, लेकिन कब दूर होगी, उसको माइल्ड करने के लिए कैसे हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे बरसात में हम छाता खोलते हैं तो बरसात थोड़ी बंद होती है, लेकिन हम नहीं भीगते हैं। तो हम अपने बचाव के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमारी जिंदगी में आ रही या आने वाली तकलीफों को कम या खत्म कर सकता है। इसके लिए आप मुझसे अपने शहर में पर्सनली मिल सकते हैं। इसमें 5 अक्टूबर को मैं दुबई में हूं, 6 और 28 अक्टूबर को मुंबई में, 7 अक्टूबर को रायपुर छत्तीसगढ़ में, 12th, 26th और 27th अक्टूबर को मैं दिल्ली में रहूंगा, 13th अक्टूबर को हैदराबाद, 14th अक्टूबर को बंगलुरु, 19th अक्टूबर को गुड़गांव जिसे हम गुरुग्राम के नाम से आजकल जानते हैं, 20th अक्टूबर को रांची झारखंड, 21st अक्टूबर कोलकाता और वहीं 29th अक्टूबर पुणे और 30th अक्टूबर को भोपाल में रहूंगा। इन शहरों में या इसके आसपास अगर आप रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। इसके लिए अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर को पूरा करने के लिए मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूं जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने पूरे प्रोसीजर को जान के आप मुझसे मिल सकते हैं। 02912799000 और 9314728165 और 9829026625 इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए। इसका एक ही मार्ग है, वो है साधनाओं के पथ पर चलकर हमें खुशियां मिल सकती है। हम अगर गरीब या निर्धन पैदा हुए हैं तो हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हमें ऐसे ही मरना नहीं है। इसके लिए हमें मां लक्ष्मी को मनाना है और मां लक्ष्मी को हम मनाएंगे इस दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व पर उन छोटी छोटी साधनाओं, छोटे छोटे प्रयोग और छोटे छोटे मंत्रों से। मां लक्ष्मी 100% हमारे ऊपर कृपा बरसाएगी और हमारी हर खुशी को पूर्ण करेगी, क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद अगर हमें सही परिणाम नहीं मिल पाते तो निश्चित रूप से हम दुखी होते हैं। इसका रास्ता मैंने खोज लिया है, वो है
पंच दिवसीय संपूर्ण महालक्ष्मी पूजा के द्वारा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पिछले जन्म का असर है। हमें मेहनत करते हैं रिजल्ट ही मिल पाता है, बिजनेस में मेहनत करते हैं रिजल्ट ही मिल पाता है, नौकरी में मेहनत करते हैं रिजल्ट ही मिल पाता है, घर में एक अशांति का वातावरण रहता है। तो याद रखिएगा, जिस घर में शांति है वहां सुख होगा और वहीं समृद्धि होगी। तो सबसे पहले वह शांति खोजनी होगी अपने भीतर। मैं आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के सभी विद्वान पंडितों के साथ आप सभी भक्तों, शिष्यों, साधकों के लिए और मां लक्ष्मी के विशेष कृपा को आप तक पहुंचाने के लिए पंच दिवसीय संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट का हमने निर्माण किया है। नवरात्रि में उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य योग कर रहे हैं, उसके बाद ये आप सभी के घरों पर पहुंचाया जाएगा। जिसके लिए आपको हमारे जोधपुर कार्यालय में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने एड्रेस को नोट करवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सही और सटीक विधि से अगर हम मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ये दीपावली हमारे लिए यादगार साबित होगी और यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625, 9314728165।